तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपको फिल्म एडिटर अगर बनना है तो उसके लिए क्या करना होगा, और अगर आप फिल्मों में एडिटिंग करना चाहते हैं या फिर सीरियल्स में एडिटिंग करना चाहते हैं तो कैसे आप अप्रोच करेंगे इस काम के लिए, कहां से करेंगे, कैसे क्या करना होगा, किस तरीके से आपको वहां तक पहुंचना होगा, क्या क्या करना पड़ सकता है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube के चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको कि आपको कैसे अप्रोच करना। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बात ऐसा है कि अगर आप एडिटर बनना चाहते हैं तो आपको कुछ सॉफ्टवेयर पहले सीख लेने होंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोज में बताया था कि आपको क्या क्या सॉफ्टवेयर सीखना होगा, खास करके फिल्मों में काम करने के लिए। अभी जब भी आप सीख रहे होंगे तो आपको अच्छे से फिल्म की एडिटिंग सीखनी है, आपके अंदर एडिटिंग सेंस आपको क्रिएट करना है। अगर आप एडिटिंग सेंस क्रिएट नहीं करेंगे तो आप एक अच्छा एडिटर कभी नहीं बन सकते, क्योंकि सिर्फ टूल्स के जान लेने से या किसी सॉफ्टवेयर को जान लेने से कोई भी बंदा एडिटर नहीं बन सकता है। ये आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे या आपने देखा भी होगा। तो दोस्तों, अगर सीरियल्स में अगर आपको एडिटिंग करनी है तो उसकी अप्रोच कैसे करनी है, देखिए इसके लिए सबसे पहले आप बॉम्बे आपको जाना होगा। आप बॉम्बे जा सकते हैं, हैदराबाद में भी बहुत सारा काम होता है, जो कि साउथ की फिल्मों का बहुत सारा काम हैदराबाद में भी होता है, बॉम्बे में भी बहुत सारा काम होता है, तो आपको बॉम्बे जाना होगा या फिर आप हैदराबाद, आप जहां भी जाइए। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये सारा काम बॉम्बे में बहुत ज्यादा होता है और बहुत बड़े पैमाने पर होता है, तो आपको बॉम्बे जाना होगा। वहां पे जाने के बाद आपको सबसे पहला जो काम करना होगा वो है कि किसी भी एडिटिंग एसोसिएशन से आपको मीटअप करना होगा, ठीक है। वहां पे बहुत सारे एडिटिंग जो लोग एडिटर लोग होते हैं उनके एसोसिएशन होते हैं, जहां पे सारे एडिटर्स, जूनियर एडिटर, सीनियर एडिटर, ये सारे लोग वहां पे रहते हैं। उनकी एक एसोसिएशन होती है जहां पे वो लोग मीट करते हैं, जहां पे वो लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं, और फिर वहां पे जहां से आप उनको कॉन्टेक्ट करके आपको एडिटिंग लाइन में अपनी कदम रखने होंगे। अभी सपोज मान लो कि आप सीरियल्स के एडिटिंग के लिए आप जा रहे हो। सीरियल के एडिटिंग में क्या है कि बहुत अच्छा पैसा भी है। अगर आप फिल्मों में एडिटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे स्टूडियोज की रिक्रूटमेंट होती है, जहां पे आपको अप्लाई करना होगा, फिर आपको टेस्ट देना होगा, इंटरव्यू देना होगा, और उसके बाद आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या होता है कि जब आप जाते हैं, एसोसिएशन को ज्वाइन करते हैं, तो वहां पे आपको किसी एडिटर से मिलना होगा जो सीनियर एडिटर है, जो काफी साल से काम कर रहा है, उनसे आपको बात करनी होगी, रिक्वेस्ट करनी होगी थोड़ी सी, कि ताकि वो आपको अपने साथ रख ले। अगर कोई भी एडिटर अगर आपको रख लेता है, यहाँ पे बहुत सारे एडिटर ऐसे भी होते हैं जिनको, जो आपके काम को देखकर, आपके अंदर की वो जुनून को देखकर आपको अपने अंदर असिस्टेंट के तौर पे आपको रख भी लेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। कुछ लोग होते हैं इसके पैसे भी लेते हैं, वो आपको एडिटिंग सिखाएंगे। अब कुछ सपोज मान के चलो कि आपको साल भर बहुत ज्यादा इनकम तो नहीं होने वाला है, वो आपकी स्ट्रगल पीरियड होगी, जहां पे आपको स्ट्रगल करना होगा, उनके साथ जाना होगा, उनके साथ काम करना होगा, उनके बताए हुए रास्ते पर आपको चलना होगा। और दोस्तों, वहां पे आपको कुछ स्टाइफन मनी मिल जाएगा आपको, आप लाइक सपोज हो सकता है कि आपको 1000-1200 रुपए मिल जाए, या फिर वहां पर डे के हिसाब से जो इनकम होता है वो पर डे के हिसाब से वो लोग पेमेंट करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि पर डे काम हो सकता है कि आपको 30 दिन में 15-20 काम मिले, या 15 काम मिले, या 10 काम मिले, तो उस हिसाब से आपको अगर 1000 रुपया मिलता है तो 10-12 हजार की इनकम हो जाएगी। लेकिन इस इनकम को आपको काउंट नहीं करना है, यहाँ पे आपको पूरी तरीके से आपको खुद पे डिपेंड होकर काम करना होगा। आपको ये स्ट्रगल पीरियड है, तो यहाँ पे आप ये सोच के अगर जाओगे कि नहीं यार 10,000 में मैं कैसे बॉम्बे में रहूंगा, तो इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके कोई जान पहचान की या कोई रिश्तेदार, कोई अगर कोई दोस्त है तो आप उनके साथ रह सकते हैं, या फिर वहां पे और भी आपके जैसे बहुत सारे आपको एडिटर्स मिल जाएंगे जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं। वो खुद भी आपको, जो जिस एडिटर के अंदर में आप काम करोगे, वो भी आपको बता देगा, वो भी आपको काफी हद तक मदद कर देते हैं वो लोग, जिससे आपको वहां पर रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी जैसे जैसे आप काम सीख जाओगे, एक बार अगर आप काम सीख गए, अगर किसी प्रोजेक्ट पे, आपने किसी बड़े प्रोजेक्ट पे अगर काम कर लिया, तो आपको वहां पे बहुत सारा काम मिलना शुरू हो जाएगा। और आपके अगर 1 साल 1.5 साल अगर आपने स्ट्रगल कर लिया अच्छे से, तो और अगर आपको लोग जानने लगे, अगर आपके काम को लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया, तो
ट्रस्ट में उसके बाद फिर आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी। देखिए स्ट्रगल तो हर लाइन में करना होता है, ऐसे आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बॉम्बे गए और हम जाते ही एकदम मेन एडिटर बन गए, सीनियर एडिटर, तो आप कभी नहीं बन सकते। उसके लिए आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी से लोगों की गालियां सुननी पड़ेंगी, बातें सुननी पड़ेंगी, इसमें कोई बुराई है नहीं। अगर आपको सीखना है तो ये सब बर्दाश्त करना होगा। अगर आपके अंदर ईगो है, अगर आपके अंदर ये घमंड है कि यार मैं तो बहुत अच्छा एडिटिंग करता हूं, तो भाई आप मत जाना, बिकॉज आपसे वहां पे नहीं होगा। क्योंकि अच्छे अच्छे एक्टर भी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का गालियां सुन, तो यार फिर आप चीज ही क्या हो, आप तो नए नए गए हो और आपको तो अभी कुछ ढंग से पता भी नहीं है, तो आपको बहुत कुछ सीखना होगा। अभी बहुत लोग सोचते हैं कि फिर उससे मेरे को सीरियल में काम मिलना शुरू हो जाएगा, लाइक एकदम कुमकुम भाग्य या फिर कसौटी जिंदगी की काम काइंड ऑफ, या फिर और भी जो अभी नए नए ये रिश्ता क्या कहलाता है, ऐसा सीरियल्स में आपको काम मिल जाएगा। जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं, क्योंकि वो एडिटर सिर्फ सीरियल्स के लिए काम नहीं करते। बॉम्बे में ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे वेब सीरीज होता है, फिर आपका जितने सारे अमेजन प्राइम्स के जो वीडियोज बनते हैं उसके लिए भी बहुत सारे एडिटर वहां से हायर किए जाते हैं। बहुत सारे लोग वहीं से एडिटर को हायर करते हैं और वो लोग फिर सेट पे जाकर उसका काम करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आपने इस साल डेढ़ साल दो साल अगर आपने स्ट्रगल कर लिया, तो उसके बाद आपको आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, आपको अच्छा खासा इनकम होना शुरू हो जाएगा अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट कर दिए तो। और उसके बाद आपका खुद का एक पहचान बन जाएगा, तो फिर आप आराम से आपको खुद का प्रोजेक्ट मिलेगा, आप खुद से काम कर सकते हैं, फिर आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इवन ऐसा भी टाइम आएगा कि आपको भी दो चार असिस्टेंट रखने पड़ेंगे ताकि वो लोग लाइनअप वगैरह कर सके, कट कर सके और आप जल्दी जल्दी काम निकाल सको। तो दोस्तों ये थी आज की इस वीडियो की खास बात। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी कभी भी भूल से भी आप किसी भी ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़िए जो लोग ठगते हैं, क्योंकि ऐसे इस चीजों के नाम पे बहुत सारा पैसा लोग लेते हैं और आपको काम भी नहीं देंगे, तो इन चीजों से बचे रहिए। तो दोस्तों सतर्क रहिए और जाने से पहले आपको अच्छे से एकदम पूरी तरीके से आपको सोच समझ के जाना होगा, पूरा प्लान करके जाना होगा। तो दोस्तों रखते हैं इस वीडियो में बस इतना ही, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कीजिए और वीडियो कैसी लगी ये हमें जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कीप लर्निंग।